रीट परीक्षा के संबंध में हमारे पूरे ज़िले में 124 सेंटर पे एग्ज़ाम होगी और कुल 11 उपखंडों में ये एग्ज़ाम होगी। इसके लिए जो बाहर के ज़िलों से आने वाले स्टूडेंट्स हैं और हमारे ज़िले से बाहर के ज़िलों में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए आज निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था का घोषणा किया है प्रशासन द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, चाहे एग्ज़ाम सेंटर पे जो आवश्यक एहतियातन के तौर पे जो तैयारी है वो सभी की गई है। और साथ यही कहना चाहूँगा छात्राओं को कि समय रहते अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचे, चाहे वो आने वाले हो चाहे जाने वाले हो। और हम अभी आज शाम को पीआरओ के माध्यम से बसों का शेड्यूल भी 25 और 26 तारीख का शेड्यूल भी डिक्लेयर करेंगे। 2 अस्थायी बस स्टैंड हमने निर्माण किए हैं जो ताकि एक जगह पर रोडवेज के बस स्टैंड पर भीड़ नहीं हो। और साथ ही विभिन्न समाजों की जो धर्मशालाएं हैं उसके दृष्टिकोण से समाजों की विभिन्न धर्मशालाएं अगर यदि किसी कोई व्यवस्था नहीं होती तो कंट्रोल रूम के माध्यम से समाजों के धर्मशालाओं के साथ उनको कनेक्ट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। परीक्षा के बाद में छोड़ने के बाद बड़ी चुनौती है पूरे छात्र के साथ होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत। इसीलिए हमने एक ही रोडवेज बस स्टैंड के अलावा 2 अस्थायी बस स्टैंड और तैयार किए। रामधाम रोड पर एक तैयार किया हुआ है जो चल रहा है और साथ ही दूसरा 100 फीट रोड की तरफ दूसरा बस स्टैंड, ताकि अन्य एक साथ भीड़ एक जगह पे नहीं होके अलग अलग जाएगी तो छितरी हुई भीड़ को इजीली कैटर करना, सुविधा देना आसान रहेगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करूँगा स्टूडेंट्स को कि किसी भी प्रकार से मोबाइल फ़ोन सेंटर पे ही नहीं लाएं। सेंटर पे मोबाइल फ़ोन रखने की कोई व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं की जाएगी, इसलिए आप अपना मोबाइल अपने घर पर रख के आइए या अपने परिजन के पास रख के आइए ताकि आप लोगों को वहाँ उस समय समस्या नहीं हो। तो बस यही है। और जो साधन केवल बॉल पेन और अपना आई कार्ड, ये दो ही चीज़ें अलाउड है, तो उसी के साथ एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करें। रीट की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन और पुलिस और सभी विभाग लगे हुए हैं और इसका नियमित सीनियर स्तर पे भी जो है रिव्यू किया जा रहा है। और हमने यहाँ पे जो बाहर से आने वाले रूट्स हैं उस पर स्थायी बस स्टैंड चिन्हित किए हैं जहाँ पे बसेस को पार्क करवाया जाएगा और वहाँ से मूवमेंट अलाउ की जाएगी। इंटरनली जो व्यवस्था है सभी से बात की जा रही है, ऑटो यूनियन और जो उनके रुकने की व्यवस्था है उसके बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। यातायात बाधित नहीं हो तो जिले के समस्त थानाधिकारी को निर्देश दीजिए। जी बिल्कुल, सभी पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है और डिटेल आदेश निकाला जा रहा है और फिक्स पिकेट्स भी लगाई जाएंगी और जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ के स्थल हैं सेंटर्स पर जो जाप्ता है उसको भी ब्रीफ करके लगाया जाएगा। पुलिस की डिप्लॉयमेंट संपूर्ण रहेगी। आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? मेरी लोगों से अपील है कि इस प्रशासन इस एग्ज़ाम के दौरान प्रशासन का सहयोग करें, व्यवस्था बनाने में अपना जो है हेल्प करें। प्रशासन आप सबके लिए काम कर रहा है तो उसके लिए मदद।